जिला चंबा में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव मामले नेगेटिव भी हो रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए हैं। ककीरा क्षेत्र की बात की जाए तो ककीरा PHC में डॉक्टर ऋचा मेहरोत्रा की अगुवाई में सुबह से अभी तक लगभग 10 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट हो चुके हैं। ककीरा PHC में कार्यरत हेल्थ सुपरवाइजर अनूप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि रूटीन में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट ले रहे हैं और इससे पता लगाया जा रहा है कि कौन से व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और कौन से व्यक्ति में कोरोना संक्रमण नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी रात दिन कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ने के लिए प्रयासरत हैं और लोगों की सेवा के लिए रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिव्या प्रतिभा और दीक्षा के देखरेख में लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीनेशन भी हो रही है। दूरदराज क्षेत्रों से लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी और सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोक सके। आर्या टाइम्स वेब टीवी चंबा के बकलो से भूषण गुरम की रिपोर्ट। आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककीरा में अपनी डेली रूटीन की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 10 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कर चुके हैं। जो भी हमारे पास OPD में ILI के या प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के या वॉलंटरी जो भी टेस्ट पहुंचाते हैं आते हैं, हम उनका नाम अपने पास यहाँ रजिस्टर करके डेली लोगों को टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। अभी तक ये 2.5 महीनों में कितना टेस्ट किया जा चुका है सर? हमारी जो रूटीन है डेली 40-50 टेस्ट की कम से कम रहती है। थैंक यू सर।